ताजा स्टेटमेंट में कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा है कि व्हाट्सएप आपके मैसेजों को एंड टू एंड इंक्रिप्शन से प्रोटेक्ट करता है, ताकि आप और आप जिसे मैसेज सेंड कर रहे हैं वही मैसेज को देख सके। इसके अलावा कोई भी मैसेज का एक्सेस नहीं कर सकता है, व्हाट्सएप भी नहीं। व्हाट्सएप की तरफ से यह भी कहा गया है कि यह याद रखना जरूरी है कि व्हाट्सएप सिर्फ फ़ोन नंबर से ही साइन अप किया जा सकता है और व्हाट्सएप के पास आपके मैसेज के कॉन्टेक्ट का एक्सेस नहीं होता है। व्हाट्सएप चैट तो सिक्योर है, लेकिन क्या बैकअप सिक्योर है? व्हाट्सएप के मुताबिक जो चैट बैकअप क्लाउड स्टोरेज पर बैकअप रखे जाते हैं या सेव किए जाते हैं वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड नहीं होते हैं। आमतौर पर यूजर्स अपने व्हाट्सएप चैट का बैकअप गूगल ड्राइव पर रखते हैं। व्हाट्सएप में चैट के ऑटो बैकअप का भी ऑप्शन है, जिसके तहत खुद से ही चैट क्लाउड पर स्टोर होते हैं। अगर आपका व्हाट्सएप चैट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं तो आपकी जीमेल आईडी के जरिए गूगल ड्राइव से आसानी से तमाम पुराने चैट्स निकाल कर पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ रखा गया व्हाट्सएप चैट का बैकअप एंड टू एंड इंक्रिप्टेड नहीं होता है। व्हाट्सएप के इंक्रिप्टेड डेटा को एक्सेस करने के लिए सिक्योरिटी और जांच एजेंसियाँ यूजर्स के फ़ोन को लेकर उसकी क्लोनिंग करती है। क्लोनिंग दूसरे डिवाइस पर किया जाता है। क्लोनिंग के बाद एजेंसियों को मिरर इमेज के जरिए डिलीटेड मैसेज का भी एक्सेस मिल जाता है। इसके लिए प्रोफेशनल टूल्स यूज़ किए जाते हैं और ये अलग डिवाइस पर ही किया जाता है। अब चूंकि फ़ोन की क्लोनिंग कर ली गई है तो इससे एजेंसियों को फ़ोन के मैसेज, फोटोज़, कॉल रिकॉर्ड्स और इसके साथ क्लाउड ऐप पर रखा डेटा भी आसानी से और उसका एक्सेस भी उनको मिल जाता है। अब यहाँ से व्हाट्सएप के चैट्स आसानी से रिकवर भी किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर ये भी कहा जा सकता है कि व्हाट्सएप पर चैटिंग तो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, लेकिन इसका बैकअप सिक्योर नहीं है। अगर बैकअप का एक्सेस मिल गया तो फिर चैट रिकवर हो जाएंगे। जांच एजेंसियां भी सीधे तौर पर व्हाट्सएप से चैट्स हासिल नहीं कर रही हैं। अगर आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको देश और दुनिया की सारी खबर मिलती रहे।